आलू एक ऐसी चीज है जो सभी के घर में बहुत इजीली अवेलेबल रहता है हमेशा, और आलू से बहुत ही यूनिक न्यू रेसिपी भी बन के रेडी हो जाता है। आज का रेसिपी बहुत ही जल्दी और झटपट बन के रेडी होने वाला रेसिपी है। इसे एक बार आप बच्चों को खिला दो ना, बच्चे तो इसका फैन ही हो जाएंगे, फ्रेंच फ्राई खाना तो भूल ही जाएंगे। मैक्सिमम ये 5 से 10 मिनट में बनने वाला रेसिपी है, बहुत इजीली एंड बहुत ही क्विकली बन भी जाता है। अचानक से गेस्ट भी पहुंच जाए तो आप ये रेसिपी जरूर बना के खिलाएं। सो फ्रेंड चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आलू को अच्छे तरह से वॉश करके आलू को यहाँ पे ठंडा पानी में डाल दिया हूँ। आलू का छिलका भी निकाल दिया हूँ। ऐसे करने से आलू का सारा स्टार्च निकल के बाहर हो जाएगा। अगर आप ठंडा पानी में नहीं डाल रहे हो, ये फिर आपके पास ठंडा पानी ही नहीं है, तो आप क्या करेगा, आलू को जब हम ग्रेट करेंगे तब आप क्या करने, 2 से 3 बार आलू को अच्छे तरह से धो ले। मैं यहाँ पे ग्रेट करने के लिए एक प्लेट के ऊपर ग्रेटर ले लिया हूँ। ग्रेटर में आलू को छीलने के लिए जो मोटा भाग है मैं उसे चूज किया हूँ। आपके पास भी जो मोटा है उसे ही चूज कीजिए। ऐसे करने से क्या, आलू जब छिलता है थोड़ा सा मोटा मोटा दिखता है एंड थोड़ा सा लंबा रहता है, बहुत ही ज़्यादा पतला है एंड बहुत ही छोटा छोटा नहीं दिखता है। तो जब हम रेसिपी बनाते हैं उस टाइम जो लास्ट लुक आता है तो उसका बहुत ही खूबसूरत दिखता है, इसलिए मोटा भाग आप चूज कीजिए। सो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं सारे आलू को छील लिया हूँ और यहाँ पे एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया हूँ। आलू में बहुत सारी पानी रहता है इसलिए पानी को हम निकालने के लिए 1/2 छोटी चम्मच हम नमक डाल के इसे चारों ओर नमक को मिला लेंगे और ढक के 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। सो फ्रेंड यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है, आलू हमारा सारा पानी छोड़ चुका है। हम इस तरह से हाथों से निचोड़ के एक दूसरे बाउल में आलू को ट्रांसफर करेंगे। अच्छे तरह से पानी को हम निचोड़ लेंगे और एक दूसरे बाउल में सारे आलू को ट्रांसफर कर लेंगे। सो फ्रेंड यहाँ पे आलू से पानी अलग हो चुका है, फिर हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। स्वाद के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स या फिर मिर्च भी डाल सकते हैं पाउडर वाला, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मिर्च को मैं अवॉइड किया हूँ। बच्चों को पसंद नहीं है, तीखा लगे तो वो नहीं खाएंगे, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इन सारे चीज़ों को हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि हम पहले से नमक डाले थे, यहाँ पर डालेंगे तो ज़्यादा नमकीन हो जाएगी। हम इसमें थोड़ा थोड़ा लोई लेके ऐसे हाथों में राउंड राउंड शेप बना लेंगे, बहुत इजीली ये बन भी जाता है। आप हाथों का इस्तेमाल करके इस तरह से राउंड राउंड शेप बना लें। मैं जैसे बना रही हूँ आप भी बिल्कुल इस तरह से एक एक बना के एक दूसरे प्लेट में रखते जाइए। यहाँ पे हमारे सारे पोटैटो रोल बन के रेडी हो गया है। फिर मैं ऑयल गर्म कर चुकी हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम सारे रोल को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। पोटैटो रोल हमारा अच्छे तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से, तो हम इसे उलट पलट करके अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। सो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रोल जो है बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और बहुत ही क्रिस्पी भी बन के रेडी हुआ है। सो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लच्छेदार पोटैटो रोल हमारा रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी साउंड कर रहा है, और ऊपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से बहुत ही जालीदार एंड बहुत ही स्वादिष्ट बन के रेडी हुआ है। सो फ्रेंड इस रेसिपी को आप जरूर घर में बनाएं, और रेसिपी आपका परफेक्ट बना कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड ढेर सारा प्यार दीजिए। सो फ्रेंड मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, बाय बाय। सो फ्रेंड आज घर में ही हम मार्केट जैसे आलू भुजिया बना के रेडी करेंगे। 5 से 10 मिनट का मेहनत से आपको एकदम मार्केट जैसी स्वादिष्ट आलू भुजिया घर में रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर आलू भुजिया की रेसिपी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आलू को अच्छे तरह से वॉश करके इसका छिलका निकाल के ठंडा पानी में डाल दिया हूँ। ठंडा पानी में डालने से क्या होता है, आलू का जो स्टार्च है वो बहुत ही अच्छे तरह से निकल जाता है। अगर आपके पास तुरंत ठंडा पानी नहीं है तो आप क्या करेंगे, ग्रेट करने के बाद 2 से 3 बार आलू को अच्छे तरह से पानी बदल बदल के धो ले। सो फ्रेंड आलू को अच्छे तरह से पतला पतला स्लाइस में काटने के लिए मैं यहाँ पे एक ग्रेटर का हेल्प लिया हूँ। आप भी इसी तरह से ग्रेटर का हेल्प लेके अच्छे तरह से आलू को इस तरह से ग्रेट कर ले। ये ग्रेटर आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। इसी तरह से सारे आलू को पतले पतले स्लाइस में आप ग्रेट कर ले। मैं यहाँ पे सारे आलू को ग्रेट कर चुकी हूँ। ग्रेट करने के बाद आलू में पानी निकलता है, हम क्या करेंगे हाथों से अच्छे तरह से पानी को निचोड़ के हम एक दूसरे बाउल में रख लेंगे। मैं जैसे यहाँ पे निचोड़ रही हूँ हाथों के हेल्प से, आप भी इसी तरह से निचोड़ के एक दूसरे बाउल में रख लें।
फिर मैं यहाँ पे कटन कपड़ा ले लिया हूँ, जो आलू को हम निचोड़ के रखे थे। यहाँ इस तरह से कटन कपड़ा के ऊपर हम बिछा देंगे और इसे उलट पलट करके ऊपर नीचे से हम अच्छे तरह से पोंछ लेंगे, जिससे बाकी जो आलू का पानी रह गया होगा ये कपड़े में अच्छे तरह से चला जाता है। फिर मैं यहाँ पे एक बाउल में आधा कप पानी ले लूँगी, इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डालूँगी और एक पिंच की थोड़ा सा ज़्यादा मैं यहाँ पे मीठा सोडा डालूँगी और इन दोनों चीज़ को हम मिक्स करके साइड में रख लेंगे, आगे बहुत ये काम आने वाला है। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं पहले से ऑयल को गर्म करने के लिए कढ़ाई को रख दी थी गैस के ऊपर। हमारा ऑयल अच्छे तरह से गर्म हो चुका है। हम जो पानी से पोंछ के रखे थे आलू को हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑयल में डाल देंगे। इस तरह से जितना आपका ऑयल है उस हिसाब से आप ऑयल में आलू को डाल दीजिए और गैस का फ्लेम को आप मीडियम से हाई रखें, तभी जाके आपका आलू भुजिया एकदम क्रिस्पी एंड बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अभी आप देख रहे हैं ऑयल से बहुत ही ज़्यादा बबल्स निकल रहा है। जब बबल्स निकलना बंद हो जाएगा तब आपका आलू भुजिया रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड, आपका भुजिया जब अच्छे तरह से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तब आप इसे ऑयल से बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सारे आलू बहुत ही सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। बाकी सारे आलू को भी हम उसी सेम प्रोसेस में सारे ऑयल में डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने पर बाहर निकाल लेंगे। सो फ्रेंड, मैं यहाँ पे पहले बताना भूल गई थी, जब आलू आप ऑयल में डालेंगे कुछ देर बाद आप जो बना के रखे थे नमक और मीठा सोडा का जो घोल एक बना के रखे थे पानी में, तो आप उसमें से 2 या 3 चम्मच इसे आलू के ऊपर इस तरह से डाल दे जिससे आलू हमारा थोड़ा सा अंदर से नमकीन हो जाए, जो नमक का भाग है वो आलू के अंदर चला जाए। पानी डालने से बिल्कुल तेल ऊपर नहीं छिड़कता है क्योंकि जो पानी में हम नमक मिलाए थे इसीलिए ऑयल बिल्कुल आपके ऊपर छिड़क। फिर हम उसी गर्म तेल में हम मूंगफली को भी फ्राई कर लेंगे क्योंकि हमको एकदम दुकान जैसा टेस्ट चलाना है, तो हम इसमें मूंगफली भी डालेंगे। तो मूंगफली को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। मूंगफली हमारा बहुत ही अच्छे तरह से कलर भी हो गया है और फ्राई भी हो गया है। हम इसे बाहर निकाल लेंगे ऑयल से। फिर हम उसी गर्म ऑयल में कड़ी पत्ता डाल के इसे अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आलू भुजिया बनके यहाँ पे रेडी हो गया है। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाथों से मसलने से एकदम ये टूट रहा है। फिर मैं यहाँ पे एकदम दुकान जैसा टेस्ट लाने के लिए, एकदम चटपटी सा टेस्ट लाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ और काली मिर्च डाल रही हूँ, और आप चाहे तो मिर्च भी डाल सकते हैं, मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पे मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा बच्चा के लिए मैं बना रही हूँ। और चटपटा के लिए मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल के अच्छे तरह से मैं यहाँ पे मिक्स कर लूँगी और इसे एयर कंटेनर डब्बा में भर के मैं इसे रख लूँगी बच्चों के लिए। सो फ्रेंड, आप भी इसी तरह से बनाएं और महीने भर आप बना के रख सकते हैं, घर में कुछ नहीं होगा, एकदम ऐसे ही जितने दिन तक रहेगा ये बहुत ही क्रिस्पी बन के रहेगा। सो फ्रेंड, खाओ पियो, एंजॉय करो और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। बाय बाय।